हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं राजरानी टाइम्स और आज हम बनाने वाले हैं व्रत स्पेशल लड्डू, जो बहुत ही हेल्दी हैं और दिन में आप एक बार खा लेंगे तो पूरे दिन हेल्दी रहेंगे। तो इसे आप एक बार बना कर रख लें और व्रत के पूरे दिन आप इसे खा सकते हैं। और जब भी आपका कुछ हेल्दी खाने का मन करे तो भी आप इन लड्डुओं को बना सकते हैं। ये 10 से 15 दिन ख़राब नहीं होते और बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो इसी रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पर हम बनाने वाले हैं जो बड़े वाले साबूदाने रहते हैं उससे लड्डू, जो बहुत ही हेल्दी होते हैं। शायद अभी तक आपने ट्राई नहीं किए होंगे, यदि आपने अभी तक नहीं बनाए हैं तो एक बार ट्राई ज़रूर करें, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर मिक्स ड्राई फ्रूट लिए हैं और 4 से 5 इलायची ली हैं और एक नारियल लिया था जिन्हें मैंने ग्रेट कर लिया है। और आप चाहें तो इसे डेसिकेटेड कोकोनट से भी तैयार कर सकते हैं, पर इस तरह नारियल से बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो यहाँ पर हम कढ़ाई गर्म करेंगे और उसमें हमने 2 चम्मच घी ऐड किया है। तो यहाँ पर हम जो लड्डू हैं वो घी से ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच ली थी गोंद, तो इसे हम गर्म घी में फ्राई करेंगे जिससे कि ये अच्छे से फूल जाएगी। और आप अपने अनुसार इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये अच्छे से फूल गई है, अब हम एक बर्तन में इसे निकालेंगे। इसके बाद हम इसमें बादाम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने 10 से 12 बादाम ली हैं। तो जैसे कि हमने आपको यहाँ पर बता ही दिया है कि बादाम काजू जो भी ले रहे हैं वो अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद 7 से 8 काजू लिए हैं, तो इन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करते टाइम हम गैस को मीडियम रखेंगे। तो काजू भी यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब इन्हें भी हम एक प्लेट पर निकालेंगे। तो एक नारियल लिया था उसको हमने ग्रेट कर लिया था, उसके अनुसार हम इतने ही ड्राई फ्रूट इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद हमने कुछ मखाने लिए थे तो वो भी हम फ्राई कर लेंगे। गोंद का टेस्ट अच्छा आएगा यदि हम ड्राई फ्रूट की मात्रा कम रखेंगे। तो इस तरह से हमने सारे ही ड्राई फ्रूट फ्राई कर लिए थे। इसके बाद हम किशमिश ली थी वो भी फ्राई कर लेंगे। तो जो हमें मिक्सर जार में डालकर पीसना है उन्हें अलग से हम एक साथ निकालेंगे और किशमिश वगैरह को हम पीसेंगे नहीं, तो इन्हें एक बर्तन में अलग से निकालेंगे। तो ये भी अच्छे से फ्राई हो गई हैं, इन्हें भी हम एक प्लेट पर निकाल लेंगे। इसके बाद हमने चिरौंजी दाने लिए थे वो भी हमने एक प्लेट पर निकाल लिए हैं फ्राई करके, ये जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। और यहाँ पर लिए हमने बड़े वाले साबूदाने, तो यहाँ पर मीडियम गैस पर हम इन्हें फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाएंगे और इसके बाद आप देखेंगे कि अच्छे से फूल जाएंगे। तो इन्हें हमें ज़्यादा तेज गर्म ऑयल या तेल में फ्राई नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही बढ़िया फूल गए हैं। तो अब एक प्लेट पर हम इन्हें निकालेंगे। इससे लड्डू में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, तो एक बार आप ट्राई ज़रूर करें। तो यहाँ पर हमने सारा कुछ फ्राई कर लिया है। इसके बाद हमने 2 चम्मच लिए थे तरबूज मगज़, तो इन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे। और यदि आप इनमें से जो कुछ भी व्रत में नहीं खाते वो स्किप कर दें, वैसे सारा कुछ हम व्रत में खा सकते हैं। तो ये भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब हम इन्हें भी एक प्लेट पर निकाल लेंगे। और लास्ट में हमने जो नारियल लिया था ग्रेट करके वो ऐड करेंगे और इसे चला लेंगे। तो इसे चलाते टाइम हम गैस को ऑफ कर देंगे क्योंकि अभी जो घी है वो बहुत गर्म है और कढ़ाई भी अच्छे से गर्म है, तो इसे बस थोड़ा ही चलाना है। और इसके बाद हम यहाँ पर किशमिश, तरबूज मगज और चिरौंजी दाना को पीसेंगे नहीं, तो इसमें हम नारियल निकाल लेंगे, बाकी जो सब हमें पीसना है वो अलग से निकालेंगे। तीनों को नहीं पीसना है इसलिए हमने इन्हें अलग निकाल लिया है, बाकी बादाम काजू मखाना और गोंद को हल्का हल्का पीसना है इसलिए हमने इन्हें अलग से मिक्सर जार में डालकर पीस लिया है। और इन्हें हम थोड़ा सा दरदरा ही पीसेंगे। और जो हमने इलायची ली थी वो भी हम इसमें डालकर पीस लेंगे। इस तरह का हम पीस कर तैयार करेंगे मिक्स। और जो हमने पहले से थाली में नारियल वगैरह डाला था उसी में से ऐड कर देंगे। इसके बाद हम चाशनी तैयार करेंगे।
तो यदि हमारा मिक्स दो बाउल है तो एक बाउल हम चीनी लेंगे, तो मिक्स के अनुसार ही हम चीनी लेंगे और आधा बाउल पानी ऐड करेंगे और मीडियम गैस पर हम चाशनी तैयार करेंगे। तो इसे अब हम तब तक चलाएंगे जब तक कि इसमें चीनी अच्छे से मेल्ट ना हो जाए, और इसके बाद 2 से 3 बॉयल आने तक हम इसे पकाते रहेंगे। तो ये थोड़ी हल्की चिपचिपी सी हो गई है, इसमें अच्छे से बॉयल आने लगा है और 1 से 2 बॉयल आने के बाद हम इसे अच्छे से पकाएंगे। तो यहाँ पर हम एक बार फिर से चेक करेंगे, तो चाशनी एक तार की बन गई है। इसमें हम मिक्स को ऐड कर देंगे, जो ड्राई फ्रूट नारियल वगैरह लिए थे वो सारे हमने मिक्स कर दिए हैं और थोड़ी देर चलाते रहेंगे जब तक कि ये जमने की कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। इससे आप बर्फ़ी या लड्डू कुछ भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो हम इससे लड्डू तैयार करेंगे तो थोड़ी देर हम पहले ही गैस को ऑफ कर देंगे, और यदि बर्फ़ी बना रहे हैं तो थोड़ी सी आप 2 से 5 मिनट और पका लें। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो मिक्स है वो कढ़ाई छोड़ने लगा है, बस 1 मिनट तक और चलाएंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह का मिक्स हमें रखना है लड्डुओं के लिए, और यदि बर्फ़ी बनाएंगे तो थोड़ी देर और चला लेंगे। तो हम इतना ही गर्म इससे रखेंगे कि जिससे कि हम इसे छू सकें और लड्डू तैयार कर सकें। ज़्यादा गर्म में भी हमें लड्डू नहीं बनाना है और ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है, नहीं तो लड्डू तैयार नहीं होंगे। तो अभी थोड़ा सा ज़्यादा ही गर्म है, पर हम यहाँ पर आपको लड्डू बनाकर दिखा देते हैं। तो इस तरह के हम लड्डू बनाकर रख लेंगे जो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी हैं। तो इसी तरह से हम सारे ही लड्डू बना लेंगे, और यदि आपको ज़्यादा गर्म लगता है तो थोड़ा सा इसे ठंडा होने दें, ज़्यादा ठंडा भी नहीं करेंगे। तो इन लड्डुओं को आप बच्चों को भी दे सकते हैं और व्रत में भी खा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी है, पौष्टिक है। तो इन्हें एक बार आप ज़रूर बनाकर खाएं। इसे हम इस तरह से मिक्स करते हुए लड्डू बनाएंगे तो ये जल्दी से बन जाएंगे, और यदि मिक्स ठंडा हो गया है तो थोड़ा सा आप गर्म कर लें, और इसके बाद भी यदि लड्डू नहीं बनते तो आप मिक्सर जार में डालकर जो हमारा मिक्स है उसे एक बार और चला लें। इसके बाद लड्डू आसानी से बन जाएंगे, और यदि बिल्कुल भी नहीं बनते तो आप इससे बर्फ़ी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर सारे ही लड्डू बन के तैयार हैं और बहुत ही बढ़िया देखने में लग रहे हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी हैं। तो इन हेल्दी लड्डुओं को एक बार आप ज़रूर से ट्राई करें, और वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें। तो ये लड्डू ना ज़्यादा सख्त हैं और ना ही ज़्यादा कड़क हैं, बहुत ही बढ़िया एकदम सॉफ्ट से लड्डू बन के तैयार हैं। और इसी तरह की व्रत वाली रेसिपी देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं पास से कि कितने बढ़िया लड्डू बने हैं और झटपट से बन जाते हैं। इन्हें बनाने में बहुत ही कम समय लगता है और आप इन्हें बनाकर रख सकते हैं, 10 से 15 दिन आराम से चल जाएंगे। तो इन्हें आप एक बार ज़रूर बनाएं। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले नए नए वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।